डार्लिंग आपने कुछ खाया पिया? तो भाई तो मैं हूँ वीर, हमारे चैनल टेसू व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ आज हमारे अलवर जिले में, एक बानसूर तहसील है, उसमें एक किला है जो कि 200 साल पहले बनाया हुआ था। ये बच्चे जा रहे हैं, दो ये देखो बीच में निकल गए, कोई मैच भी नहीं। तो दोस्तों, ये 200 साल पहले बनाया गया था ये किला, और इसको बनाया था राजा सवाई सिंह ने। तो दिखाते हैं ये किला कैसा है, कैसा इसका नजर को ड्रोन की सहायता से एक बार ऊपर का व्यू दिखा देते हैं। ड्रोन स्टार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। ये दिल्ली से हैं दोनों। ये फिर भी देख रहे हैं पीछे मुड़ के। देख देख सपना डार्लिंग देख, वो देखो मुस्कुरा के। ये दोस्तों हमारी है बानसूर सिटी। ये देखिए बहुत ही काफ़ी लंबी चौड़ी सिटी है हमारी, और इसी के बीचों बीच है जो हमारा किला बना हुआ है। ये देखिए गाइज, बहुत ही शानदार किला बना हुआ है जो कि अब जर्जर हो चुका है। ना तो कोई प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है, ना गांव इस बानसूर की है जो जनता वो ध्यान दे रही है इस पे, जो कि हमारे विरासत में मिली हुई चीज़ है, इसका ध्यान रखना चाहिए था। इसकी दीवारों को मरम्मत करनी चाहिए थी। ये देखिए दीवारें कैसे बारिश के पानी से है जो जर्जर हो चुकी है। ये देखिए गाइस, ये हमारे किले के अंदर जो कि ये एक युद्ध की निशानी मानी जाती है, अब जो नई जनरेशन है ये आई है, ये किले के ऊपर अपना प्यार दिखा रही है। ये देखिए कोई लिख रखा है अंकिता आई लव यू। गाइस वो घरवालों को तो बोल नहीं सकते, अपनी भड़क यहाँ निकालते हैं। ये देखिए गाइस, ये देख इनको लगता है यहाँ पे कोई आएगा और हमारा प्यार देखेगा और हमारी शादी करवा देगा। ये देखिए अंकित संग नितेश, क्या समझ में इसका मतलब? नहीं नहीं, ये एक युद्ध की है जो निशानी है, इसको लोग अपना प्यार बना रहे हैं। ये देखिए गाइस, अपना जो बायोडाटा है वो इधर लिख के जाते हैं लोग, ऐसा ना करें, ये हमारी ऐतिहासिक चीज है। चलो गाइस अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारे किले के अंदर जो प्रवेश द्वार है वो ये है। चलो हम चलते हैं। ये कुछ ऐसे बनाया गया है प्रवेश द्वार। ये मंदिर बनाया गया है अभी जो कि पहले नहीं था।
वाला है ये, और ये देखो जर्जर हो चुका है इसके अंदर। ये होल है जो इसके अंदर पहले गोली दागी जाती थी। ये देखिए गाइस अंदर, ये देखिए ऐसे सुराख होते थे पहले। ये हमारे दो दोस्त बैठे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया दोस्त हैं, दिल्ली से हैं ये दोस्त। ये बिक्की है, ये भाई मौज लेता है। कैश लेता है, ऐश और कैश लेता है। ये देखिए गाइस अंदर से है जो किला बिल्कुल जर्जर हो चुका है। पहले अंदर यहाँ बावड़ी हुआ करती थी, अब वो बावड़ी कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये देखिए, और इसके अंदर की जो चारों दीवार है वो दिखाते हैं। ये देखिए गाइस बिक्की चढ़ चुका है किले के ऊपर। ओहो ओहो, क्या कहें पड़ी जे साहब, क्यों गए तेरे? एक वीडियो बना रहे जो आप जो यूट्यूब पर डालांगा ना, वह वीडियो बना रहा जा। हाँ, तो कि मैं अपने एक विशेषता जान तो किला की, मतलब पहली बार कद आयो है किला पे, या मतलब कब बने हुए किलो? अब इतनों तो कौन जाने यार, फिर आप ना जाने यार, इतनों ना जाने, मतलब कितना दिन होगा आप ने किला में आता एडी? आज ही आए, पहली बार यार अपने तरह। तो भाई साहब ये भाई भी जो आज ही आए हैं हमारी तरह। क्रिकेट देखा हुआ था, वीडियो में तो आओगी। बीमार हो रहे थे, बीमार चल रहे थोड़ी बहुत तबीयत खराब, तो सही है। अच्छा अच्छा, कोई सेटिंग वेटिंग है? है नहीं है। तो भाई साहब ये अपना जो किलो छे या एक ऐतिहासिक चीज से ना, चीज अब यह जर्जर हो रही है कि दीवार जो टूट रही है, ए मान सरकार ने काम कराना चाहेगा ना, कराना चाहे ना, तो आप गहलोत साहब को क्या कहना चाहेंगे इस किले के बारे में? बनवाओ और क्या है बताओ। शकुंतला राउत को क्या कहना चाहेंगे? ठीक करवाओ जो जो सुविधा। बिल्कुल भाई साहब का ये कहना है कि इस किले को है जो ऐसा का ऐसा रूप बनाए रखे जो कि अपने आने वाली पीढ़ी है वो भी इस किले को देख सके, इस ऐतिहासिक चीज को है जो वो भी लुप्त उठा सके। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब। सही बिल्कुल। तो डार्लिंग आपने कुछ खाया पिया? तो भाई साहब ठीक है, है? क्या भाई छे जो भाई साहब सर मारी जाने एना पर लेडीज खेदे तो भी कम कोई देख लो ओए। तो भाई साहब उनको क्या नाम छे? एको एको पंडित जी, बांसुर का मान पंडित, बांसुर को मान पंडित। उन्हें 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 नाम के छे? अरे उन्हें सही नाम बता। आयुष आयुष सही यार साहब। और के नाम भाई साहब अपनो, और के नाम से निक नेम वे कोई? नहीं। यही नाम से चिंटा का बाग रे। और अपनो के बिजनेस से? अपना यार बिजनेस से बस कोई आता कोई आता। तो मैं पूछ रहा था किला के बारे में कि अपन ने किला पा तक एक दिन होगा? यमर हुआ होगा यार, हम तो स्कूल से और बागेड़ा से
ना ना मतलब मैं किला के बारे में की जानकारी छा, पर नॉलेज छ कुछ कुछ पहले जानता हूँ। चल छोड़ छोड़ तो मैं यो हाँ बिल्कुल। ये जो अपनी ये चीज फूट रही थी, ये ऐतिहासिक चीज छपनी है ना बिल्कुल, तो ये फूट रही चाहे सरकार ने ध्यान देना चाहे ना चीज पे क्यों अरे ऐतिहासिक चीज छपनी राजा महाराजा की पहले डार्लिंग समझ वो कर डार्लिंग अपनी मतलब ये पहले की चीज थी यार। अशोक गहलोत ने क्या बचाया तू बड़ा हरामी हो बेटा बिल्कुल। तो मतलब अपनो मतलब यह चाहे ए बात से साफ पता चल रहा है कि आप दसवीं क्लास में छा उनकी मतलब अच्छा इतनी मतलब इतनी एडवांस सोच के अपना भाई ने मतलब फिर पास करो बेचारे जी भाई बिल्कुल। अगली तो मतलब ये अपना जो किलो है कि देख भाई सब बिल्कुल ये जो दीवार थी ना ये थाने दिख रही होंगी जर्जर हो रही थी बिल्कुल। तो मतलब अपनी ये ऐतिहासिक चीज है, इन्हें सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि अपना जो आब वाली पीढ़ी है जो उन्हें तो जो हाँ तो वह ना होना चाहे ना जो अपनी पीढ़ी देखे भाई पहले राजा महाराजा अहिया रह छा अहिया उनमें देखो अहिया सुराग चीजें इनमें गोली वगैरह चल रही थी दागी जाए थी कि नीचा से जो हम लोग करे तो उनके ऊपर हम लोग ना हो बिल्कुल सही बात है ना। तो अहिया कह बचा रही थू कि अमे सरकार ने ध्यान देना चाहे रहे कि जो मरम्मत है वह करवानी चाहे अरे तो थमेटा का कोन्या पर काम तो चाहे ना भाई अपन अपनो भारत देश है तो अपन ये चीज देख पाट तो मिलेंगी क्यों भाई साहब सही खर्च ना चल एक सही से पोज दे बढ़िया तरीका से फोटो आ जाए थारी दोस्तों ये है जो इस किले की दीवार की दीवार है जो मजबूती से बनाई हुई है ये देखिए गाइस। हम दो दोस्तों से और मिलाते हैं आपको जो कि एक ही नंबर के दोस्त हैं हमारे जाने पहचाने दोस्त हैं इनको जानते। चल भाई सिगरेट पी लो बाद हम बात करांगे थारा से। चल पहले उड़ी से हम पी लो दोस्तों। यहाँ से गिर भी गए ना हम नीचे तो भाई साहब मैं पहले कह रहा था जान ना बचेगी इतनी ऊंचाई से चल रहा था पूछो ही मना। ये देखे भाई साहब अब है जो हमारे दोस्त मिल चुके हैं हमें भूले भटके हैं दोस्त हमें मिल चुके हैं हमारे दोस्त मिल चुके हैं मुलाकात करवाइए मुलाकात आपसे करवाएंगे जरूर कराएंगे। बहुत ही पुराने दोस्त हैं हमारे ये दोस्त नहीं कहेंगे हम है जो एक वीडियो शूट करने आए थे यहाँ पे और हमें जो दोस्त मिल चुके हैं इनसे पूछते हैं कि किला कब बना था कब नहीं बना था तो भाई ये जो ऐसे बैठे हैं कि पूछो मत कि अगर गिर भी गए ना तो ये देखो नीचे ओहो भाई साहब ये तो इनको क्या कहें आप खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल। एक दोस्त ने बताया कि खतरों के खिलाड़ी कहें हमें बिल्कुल भाई समझ गो ना बात चाहे तू थोड़ा सा मास्क लगा ले तो भाई सब यह चीज पूछ बचा रही थारा से कि जो ये अपना जो किला पहले था वैसा नहीं है वो ना पहले मतलब एक क्या शोभा दे चुके लोग कि बानसूर में एक किलो भी छे एक तगड़ी चीज भी छे अब जय या जर्जर हो चुके हो ये देखो कि मरम्मत करवानी चाहे कि ना करवानी चाहे ना। तो अशोक गहलोत ने क्या खै बचाओ किला के बारे में कि मरम्मत करवाओ कि या कोई पैसा वैसा पास कर करवाओ पास है पास है को तेरे कोई ना कोई आप लोगों
अपनी जो पुरानी पीढ़ी से जो आगे वाली भावी पीढ़ी से वह देख पाओगे किलाने। बिल्कुल सहमत सुने बात से? ठीक है भाई, चलो दोस्तों थैंक यू, है ना, मिलेंगे अगला पार्ट में। अभी आए मैं वीडियो बना कर आई, बिल्कुल 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 पक्का। पहले एड के पैडी हो करे जी, अब कैड कोने के परली साइड से जी। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये जो छेद हैं इनसे पहले राइफल वगैरह चलाई जाती थी अंदर से, कि ऐसे हिसाब से बनाया गया है कि अगर दुश्मन बाहर की साइड से जो हमला करे तो अंदर की साइड वो गोली सीधी सीधी ना पाए, इसलिए इसको है जो तिरछा बनाया गया है। ये देखिए अब आपको दिखाते हैं हम इस किले की बावड़ी है, जिसमें पहले के राजा महाराजा था, जो वो इसमें डुबकी लगा के नहाते थे, वो हम आपको दिखाते हैं। तो डुबकी दिखाए इसको, ये नीचे जाने का रास्ता है इसका। ये बावड़ी थी, इसमें यहाँ से पैड़ी बनी हुई है। भी लिखा है इनको। ये है दोस्तों काली कोटड़ी, जो कारावास कहते थे। ये देखिए दोस्तों, इसको कारावास कहते हैं। यहाँ पे काली कोटड़ी है, जो लोग पहले यहाँ पे जो कुछ उनको राजा महाराज जो सजा देते थे उनको, तो उनको यहाँ काली कोटड़ी में लेके बंद करते थे। ये हमारी काली कोटड़ी है, जो बिक्की है इसके जाके देख रहा है। देखिए दोस्तों ये है जो काली कोटड़ी है, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। देखिए आपको अंदर तक ले जाके दिखा रहे हैं गाइज हम। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल है जो अंधेरा ही अंधेरा, इसी वजह से इसको काली कोटड़ी बोलते थे। आपको मैंने बता दिया पहले भी कि 200 साल पहले ये किला जो बना था और इसको सवाई मानसिंह जी ने बनवाया था। ये देखिए गाइज, चलो बाहर की ओर चलते हैं। दोस्तों ये है जो दूसरे साइड का रास्ता है, जो कि दूसरे साइड से इस तरफ आना हो तो दूसरे साइड का ये रास्ता है, जो हम आपको दिखा देते हैं। ये वाला, ये देखिए, यहाँ से किला हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा दूसरा किला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों परली साइड से और दिखाते हैं किला कितना बड़ा है, फिर आपको ड्रोन की सहायता से एक बार पूरा राउंड ऊपर की तरफ से लेके वो दिखा दिया जाएगा। दोस्तों ये है मंदिर है इस किले के अंदर, जो कि अभी बनाया गया है। पेड़ पौधे अभी लगाए गए हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये बंदरों को बर्गर वगैरह खिलाया जाता है यहाँ पे। ये है जो दोस्तों दूसरा सिरा है हमारे किले का, इस साइड का, जो कि बहुत ही बेहतरीन था पहले। अब तो गाइस ये देखिए खंडर बन चुका है ये। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एक ही नंबर का बनावट है इस किले की। ये देखिए दोस्तों, ये बिक्की अब चढ़ेगा इस पे। ये देखिए बंदर भी है जो दाब चुके हैं। ये दोस्तों पता नहीं क्या है, बहुत ही अच्छा नजारा है बांसुर का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बांसुर शहर है, जिसके बीचों बीच हमारा किला बना हुआ है।
देखिए दोस्तों, दो भाई लहूरा रेजेंट से और बात करांगा। ये देख हाँ भाई साहब, और कौन साहब आ जाओ ऊपर, दो बात करांगा। और अपनो कौन सा गांव से? बांसुरी। तो भाई साहब थारस में यह चीज पूछ बचा रहे जो कि जो अपने पहले किलो सुने या पहले जो कि आपत खर ना देखा मांगा जे टाइम तो बनाया होगा जो तू अंदर ये घास फूस ये थोड़ी होगा पहले अंदर पहले कारावास जल काली कोटड़ी अँ की चीज बनी हुई छेड़े तो इन्ना पानी की वजह से या बारिश की वजह से या जर्जर हो चुके हो तो मतलब मेरे को काम दोबारा चालू करवाना चाहे मरम्मत करवानी चाहे कि ना एक दीवारा की मेरे साथ ना करवानी चाहे क्यों फर्जी आदमी है नहीं फर्जी आदमी नहीं जैसे कि अपनी वो नहीं वो चीज़ नहीं सोचनी अपन को वो चीज़ सोचनी है कि जो अपनी हाँ बैठ जाओ कि अपनी जो पहले अपनी आप वाली भावी पीढ़ी है वह भी देख सके पहले राजा महाराजा यहाँ रहे था अँ उनका किला रहे था अँ हिसाब से कि वो ऐतिहासिक चीज ने जान सके सही बात है ना तो इनकी मरम्मत करवानी चाहे बिल्कुल है भाई साहब करवानी चाहे कि ना मरम्मत करवानी चाहे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो भाई है आ जाए डिकोर और तो दोस्तों ये है किले की जो कि 4 फिट की है जो दीवार है शायद और ये है जो बांसुर शहर से भी कम ना 200 फिट ऊंचे एक पहाड़ पर बना हुआ है। बहुत ही सौंदर्य चीज है ये हमारी एक नंबर का किला बना हुआ है। ये देखिए आपको एक पूरा व्यू दिखाता हूं मैं। ये देखिए गाइस इसका है जो ये सुरंग है सुरंग जा रही है जो ये अपने अलवर का किला है उसके अंदर ये सुरंग है जो उसके अंदर जा रही है। इसको अंदर से दिखाते हैं बंद कर दो।